टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मिले टू मोरे कन्वर्जन। ये मिले मशीन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेट के साथ इनपुट के करेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट है। ये क्यू वन ए इनपुट पे आपको आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, वन। ऐसे ही क्यू टू ए इनपुट पे आउटपुट जनरेट हो रहा है टू। अब ये मिले मशीन को मुझे मोरे मशीन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस मिले मशीन का हम क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल में क्या होगा, हर एक इनपुट के करेस्पॉन्डिंग आपको क्या स्टेट होगा और क्या उसका आउटपुट होगा। तो बी का अगर हम देखें स्टेट और उसके करेस्पॉन्डिंग इस तरीके से, तो स्टेट क्या है, क्यू वन। क्यू वन ए इनपुट पे क्यू टू पे जाएगा, स्टेट क्या होगा, क्यू टू, और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, वन। क्यू वन बी इनपुट पे क्यू थ्री पे जाएगा और आउटपुट क्या जनरेट करेगा, वन। इसी तरीके से क्यू टू का हम चेक करेंगे, ए इनपुट पे क्यू टू पे जाएगा आउटपुट टू, बी इनपुट पे क्यू थ्री पे जाएगा आउटपुट वन। ऐसे क्यू थ्री का चेक करेंगे, ए क्यू थ्री ए इनपुट पे आउटपुट वन जनरेट कर रहा है, स्टेट है क्यू टू। और क्यू थ्री बी इनपुट पे सेम स्टेट क्यू थ्री, आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, टू। तो ये मिले मशीन का ट्रांजिशन टेबल है। अब इसके इक्विवेलेंट हमें मोर मशीन बनाना है। तो मोर मशीन में क्या होगा, हर एक स्टेट के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट होना चाहिए इस तरीके से। तो जितने नंबर ऑफ आउटपुट हैं उतने ही यूनिक स्टेट भी होने चाहिए। लेकिन यहां अगर हम चेक करें, Q2 पे आपको आउटपुट 2 मिल रहा है और Q2 पे आउटपुट 1 मिल रहा है, इट्स मीन Q2 एक तो 1 के आउटपुट के लिए है, एक Q2 किसके लिए, 2 के आउटपुट के लिए। इसलिए Q2 को हम एज्यूम करते हैं कि 2 स्टेट्स इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, Q2 वन स्टेट जो 1 आउटपुट के लिए होगा, एक Q2 टू स्टेट जो 2 आउटपुट के लिए होगा, ठीक है। इसी तरीके से Q3 को चेक करें, एक 1 आउटपुट आ रहा है, एक 2 आउटपुट आ रहा है, तो हम Q3 का भी बना सकते हैं इसी तरीके से, Q3 एक 1 आउटपुट के लिए Q3 1 और एक 2 आउटपुट के लिए Q3 2। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ईच स्टेट के करेस्पॉन्डिंग हमको यूनिक आउटपुट होना चाहिए। तो Q2 की करेस्पॉन्डिंग 2 डिफरेंट आउटपुट थे, इसलिए हमने Q2 को स्प्लिट कर दिया है 2 स्टेट्स में, Q2 1 और Q2 2, ऐसे 3 को Q3 1 और Q3 2 में। अब हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो अगर हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएं तो क्या होगा, मोरे मशीन में क्या होना है कि हर एक इनपुट के करेस्पॉन्डिंग आपको स्टेट्स होने चाहिए, ठीक है, और हर एक स्टेट के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट होना चाहिए। तो अगर Q1 से स्टार्ट करते हैं, तो Q1 A पे क्या आया था, Q2, और कौन सा Q2 है, जिसमें 1 आउटपुट है, इसलिए Q2 1, ठीक है। और B पे क्या है, Q3, लेकिन कौन सा Q3 है, जिसमें 1 आउटपुट है, तो Q3 का 1 आउटपुट वाला क्या है, Q3 1, यहां लिखेंगे Q3 1। और Q1 के करेस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट है नहीं है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब Q2 के लिए लिखते हैं, तो Q2 टू पार्ट्स में, Q2 1, Q2 2, Q2 1 के लिए लिखते हैं पहले। तो Q2 1 A इनपुट पे क्या था, Q2, जिसमें आउटपुट क्या था, 2, तो इसका मतलब ये कौन सा Q2 है, Q2 2। अब B पे क्या है, Q3, आउटपुट क्या है, 1, तो इसका मतलब ये कौन सा Q3 है, Q3 1, और Q2 1 के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, 1, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट चेक करते हैं Q2 2 के लिए, A इनपुट पे आपका Q2 आ रहा है, कौन सा Q2 है, जिसमें 2 आउटपुट है, तो इसलिए ये सेम एज इट इज Q2 2 होगा, ये Q3 1 होगा, Q2 2 के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट 2। अब Q3 1 को चेक करते हैं, Q3 1 A इनपुट पे आपको Q2 जनरेट हो रहा है, कौन सा Q2, जिसमें 1 आउटपुट था, इसको एज इट इज Q2 1। और B पे Q3 2,
और आउटपुट 1। अब Q3 2 को लिए चेक करते हैं, Q2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 A पे Q2 स्टेट था और 1 आउटपुट था, इसलिए Q2 1 हो जाएगा। नेक्स्ट Q3 2 और आउटपुट क्या है, 2। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट मोरे मशीन जनरेट हुआ है। अब इस मोरे मशीन का अगर हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं, मोरे मशीन ट्रांजिशन डायग्राम, तो आपको क्या होगा, Q1 तो इसके करेस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट नहीं है, इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 1 या 2 अपने अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड, ए इनपुट पे ये कहां जा रहा है, Q2 1, ठीक है, और इसका आउटपुट क्या है, 1। यहां इसको थोड़ा सा ऐसे करके 1। बी पे Q3 1 जा रहा है, यहां Q3 1 लिखते हैं, Q3 1 के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, 1। तो बी पे Q3 1, Q1 बी पे, सॉरी Q1 बी पे कहां जा रहा है, Q3 1, तो ये वाला बी है, और Q2 1 बी पे कहां जा रहा है, Q3 1। तो हमने इस तरीके से बनाया, Q2 1 ए पे कहां जा रहा है, Q2 2, Q2 1 ए पे कहां जा रहा है, Q22। तो Q22 के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, 2। अब Q21 बी पे कहां जा रहा है, Q31, ये हमने पहले ही बना लिया। Q22 ए पे कहां जा रहा है, Q22, तो ए को एज इट इज लिख देंगे। बी पे कहां जा रहा है, Q31, तो बी पे Q31 बना देंगे। अब Q31 A पे कहां जा रहा है, Q21, अब Q31 B पे कहां जा रहा है, Q31 B पे कहां जाएगा, Q32, Q31 B पे कहां जाएगा, Q32, एक अलग स्टेट लेंगे, इसका करिस्पॉन्डिंग आउटपुट 2, इसको दे देंगे B, ठीक है। अब Q31 B पे Q32 A पे Q21, Q32 A पे कहां जाएगा, Q21, Q31 Q32 देख रहे, Q32 B पे कहां जाएगा, Q32। ये कंप्लीट हो गया, ये इक्विवेलेंट मोरे मशीन है इस मिले मशीन का। थैंक यू।